हेलो माय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन इन उत्तराखंड में। दोस्तों देखिए, सामने खिले हुए हैं खूबसूरत पीली चमेली के फूल। बचपन में जब हम छोटे थे तो मोगरा के फूलों को ही चमेली के फूल समझते थे, क्योंकि वाइट कलर का खुशबूदार फूल यही चमेली होता है। लेकिन जब गार्डनिंग शुरू करी तो पता चला कि चमेली मोगरा से अलग होती है, उसके पत्ते डिफरेंट होते हैं। पत्ते देखिए इसके डिफरेंट होते हैं, पत्ते कुछ कुछ इस तरह के, तीन पत्ती के पत्ते होते हैं चमेली के। लेकिन चलिए, पता चल गया वाइट चमेली ले आए तो फिर पता चला चमेली पीले रंग की भी होती है और उसमें खुशबू नहीं होती, तो बड़ी हैरत आई। खोजबीन शुरू करी, पीली चमेली चाहिए, तो पीली चमेली ढूंढी गई और पीली चमेली का प्लांट मिला और काफ़ी लंबे टाइम से लगा भी रखा था। अब जाकर इस पर फूल आए हैं। लेकिन मैं भी घूमने गया था सुरकंडा देवी टेम्पल, तो रास्ते में मैंने देखा कि पहाड़ों में तो ये वैसे ही उग रहा है, जगह जगह पर पीली चमेली के प्लांट थे पहाड़ों में। मुझे बहुत हैरत आई, हमने तो इतनी मेहनत की, दो साल बाद जाके फूल आया, वहाँ पर पूरा पहाड़ों पे हर तरफ मुझे पीली चमेली के फूल दिखाई दिए। तो कुदरत का लिए तो बहुत आसान है, मुश्किल है तो हमारे लिए है। तो लेकिन दो साल लगभग लगने के बाद अब खूबसूरत फूलों से भरा हुआ है। मैं करीब से दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं लेकिन खुशबू नहीं होती, ये एक कमी है पीली चमेली के फूलों में। कलियाँ बहुत आ रही हैं पीली चमेली के पर मेरे पास में, देखिए आप कितनी सारी कलियाँ आ रही हैं, कलियों से भरा हुआ है अब ये, काफ़ी फूल खिलेंगे इस पर और अभी खिल भी रहे हैं, शुरुआत हुई है फ़िलहाल तो। और मैंने इन्हें कटिंग से बरसात में लगाया, बहुत आसान है इन्हें कटिंग से लगाना, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला है। काफ़ी सारे प्लांट मेरे पास कटिंग से हो रहे हैं, मैं चलिए वो भी दिखाता हूँ। आप बरसात में इसे कटिंग से मल्टीपल भी कर सकते हैं। ये तो इसके फूल थे, कलियाँ थी। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप इसे किसी चीज़ का सहारा देकर ऊपर चढ़ाएं, अगर ये ऊपर चढ़ेगा तभी अच्छा होएगा, अगर ऊपर नहीं चढ़ाएंगे आप इसे तो ये इतना अच्छा नहीं होता। पहाड़ों में तो क्या होता है कि पहाड़ों में उगते हैं फूल, काफ़ी खिल रहे हैं। वैसे की बार मौसम थोड़ा ऐसा ही था तो फूल थोड़े लेट आए हैं मेरे यहाँ पर, बहुत ठंडा था मौसम तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया फूलों का आना, लेकिन अब शुरू हो रहे हैं। गुलाब पर तो भी नहीं आए, गुलाब पर तो बहुत बुरी हालत है, गुलाब पर फूल नहीं आए हैं बिल्कुल भी। तो बहुत से मेरे सब्सक्राइबर फायर ग्लोरी की बात कर रहे थे, लेकिन देखिए कितना बुरा हाल हुआ है, फूल जल गए ठंड की वजह से, खिले ही नहीं, जबकि ये पहले ऐसी हो जाती थी जैसे मोती लग गए हों, लेकिन अब की बार बहुत बुरी स्थिति है, ज़्यादातर फूल जल चुके हैं, लेकिन ठीक है तो आएंगे। नस्टिशियम वाइन पर फूल बहुत आ रहे हैं, और इधर में डॉग फ्लावर हैं मेरे पास में, उन पे फूल आ रहे हैं, डहलिया पे आ रहे हैं, पटूनिया पे शुरू हो गए हैं फूल आने, और धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। हॉलीहॉक पर फूल आएंगे, काफ़ी कलियाँ आ रही हैं इन पर। और इधर में आप देखिए नस्टिशियम वाइन काफ़ी अच्छा लुक दे रही है, पॉपी के फूल हैं तो फूल आ रहे हैं, उधर पटूनिया हैं हाइब्रिड, ये तो मैं नर्सरी से लाया था और इस पर काफ़ी ज़्यादा फूल आ भी रहे हैं, लगातार दो तीन महीने हो गए हैं इस पर फूल आते हुए। और उधर में छोटी डेजी है, बहुत सारे फूल छोटी डेजी पर आ रहे हैं, आइस फ्लावर पे फूल आ रहे हैं, कैलेंडुला पे फूल आ रहे हैं, तो फूल बहुत आ रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने इसकी चमेली का ये देखिए कटिंग यहाँ पर लगा रखी है, ये काफ़ी सुंदर यहाँ पे हो रही है कटिंग। और इसी तरह मैंने कुछ कटिंग और लगा रखी है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। बोरिंग से काफ़ी नुकसान हुआ है मेरे गार्डन का, काफ़ी सारे प्लांट मर गए हैं बोरिंग की वजह से। देखिए एक प्लांट चमेली का यहाँ पर ग्रो हो रहा है मेरे पास, ये भी काफ़ी ठीक चल रहा है, और एक प्लांट यहाँ पर कटिंग से ग्रो हो रहा है देखिए। तो चमेली कटिंग से बहुत अच्छी हो जाती है, इसीलिए मैंने आपको ये दिखाया है। नस्टिशियम वाइन पर बहुत सुंदर फूल आते हैं और एक बार लगाने के बाद में ये फूलों से भरी रहती है, फूल ही फूल आते रहते हैं और हर साल खुद ही निकल आती है। ये सनफ्लावर के हैं, पहली बार हुए हैं मेरे यहाँ, होते नहीं, उधर में भी मेरी मुर्गियों के घर के आसपास भी मैंने नस्टिशियम वाइन लगा दी है, थोड़ा अच्छा लगता है फूल खिले रहें तो। वैसे तो ये खा जाती हैं सब मेरी मुर्गियाँ बत्तख, लेकिन कोई बात नहीं, उनका भी है, खा ले तो खा ले, क्या दिक्कत है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको भी पीली चमेली के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिली होगी।
ठंड का तो इफ़ेक्ट ये रहा कि टमाटर भी काफ़ी लेट आए हैं, आ तो रहे हैं, लेकिन पिछली बार मैं कई किलो टमाटर डेली उतार लेता था, इस बार थोड़े कम हैं टमाटर, आ रहे हैं बहुत, लेकिन वही है कि देसी टमाटर हैं, कुछ सुंदर उतने नहीं होते जितने बाज़ार में मिलते हैं, वो प्यारे प्यारे लंबे लंबे गोल गोल वैसे नहीं होते, स्थल कमल मोल गया है सूखने के बाद, हर जगह पे नस्टेशियम वाइन निकल रही है, तो ये सब तो चलता ही रहता है। पुदीना बहुत अच्छा चल निकला है, अब पूरी सदियों ये सुषुप्त पड़ा रहा, इतनी ठंड थी, अब ये चला है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आता रहूँगा, धन्यवाद।